की किसकी नाच ना जाने बैकयार्ड क्या लग रहा है यार ना यहां से बाद में गाना पास पास क्या निकल रहा है के मुंह में ऊ के हाय हाय क्या बात है परफॉर्मेंस ना सच में यार ये थे रॉक बैंड किरदार जिनकी गाने से लिसनर्स का एक पर्सनल कनेक्शन बन ही जाता है क्योंकि इनका हर एक गाना अपने आप में एक कहानी सुनाता है लॉट्स टू कैच अप विद दीस गाइस और वो होने वाला है यहाँ ऑन इंडी है हम सीजन 3 प्रेजेंटेड बाय टी सीरीज एंड रेड एफएम हाय मैं हूँ परंपरा एंड आई होप You all are geared up for a musically packed episode. और आज शो पर किरदार बैंड के साथ होने वाली हैं दो एब्सोल्यूट लाइफ फायर परफॉर्मर्स एंड दैट्स बिकॉज़ जॉइनिंग अस हियर विल बी द स्टनिंग डुओ प्रकृति एंड सुकृति कक्कर आप सबकी तरह सचेत एंड आई आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कवरिंग न्यू इंडी आर्टिस्ट्स एंड उनका म्यूजिक यस बिकॉज़ दीज आर्टिस्ट्स आर पुटिंग देयर हार्ट And their soul in creating fresh sound for the audience. और ऐसा ही एक new age और rock band आज यहाँ है. तो बुला लिया जाए. बिल्कुल. किरदार बैंड को. Woo woo! Welcome guys. Welcome. Hi. 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 Hello. What's up? What's up? Hi. Hi. Please have a seat. तो मैं भी introduce करा दूँ all our band members से. So I think he's the vocalist. I'm Pranit. प्रणत ऑन द गिटार्स ऑन द ड्रम्स इट्स सरमत एंड अपने बेस पर है अक्षर तो आप लोग का बैंड का नाम इतना यूनिक है ये कैसे पड़ा किसने सोचा क्या था ये प्रोसेस क्या है एक्चुअली बहुत फनी स्टोरी है अरे वाह हमारे बैंड का ओरिजिनल नाम था इंडिसन रेबल्स इंडिसन रेबल्स थे नहीं बस नाम से लगना चाहिए बट फिर जब हमारा जो प्रोड्यूसर था फर्स्ट एल्बम का ओमकार ये जल्दी से नाम चेंज करो बहुत घटिया नाम है हम लोग बेटर देन सरमत केम अप कि हम लोग का किरदार इतना ऐसा है तो ओमकार सेड क्या लेट्स गो विद किरदार आई थिंक इट साउंड्स गुड And then we had a very long conversation on कि कितना मतलब क्या है किरदार कितना depth है फिर सबने agree कर दिया कि हाँ उतना हमारे पास अकल नहीं है फिर भी हम लोग ऐसा try कर रहे हैं कि हाँ yeah we understand that depth नामधारी then we went with किरदार प्रणय लोग अपने home town से मुंबई आते हैं आप मुंबई से अपने home town गए to make music क्यों story बताओ
एक्चुअली मैं भी मुंबई आया था म्यूजिक ट्रैक बनाने के लिए एंड टू बी फेमस. बट जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया आई डिड अ सॉन्ग कॉल्ड तेरे संग बैक इन 2014. एंड जब वो किया तो उस प्रोजेक्ट के टाइम पे मुझे बहुत सारे डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस हुए. लॉट ऑफ पीपल चीटेड मी विद मनी एंड विद लॉट आई सफर्ड अ लॉट इन ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट इन मुंबई. एंड सो इट काइंड ऑफ ब्रोक मी डाउन फ्रॉम इनसाइड. वो थोड़ा सा एक ट्रस्ट फैक्टर होता है जब आप स्मॉल टाउन से आते हो. यू बिलीव कि हर कोई अच्छा है बंदा एंड यू ट्रस्ट देम. And it happened. और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि आई नीड टू लर्न दिस. आई कैन नॉट बी वेरी लाइक एक नया बंदा आया और आ गया वो स्ट्रगल करने के लिए ट्राई कर रहा है. आई नीड टू लर्न एवरी थिंग आई कैन. दैट डे आई स्टार्टेड लर्निंग. आई लर्न एवरी थिंग सिनेमाटोग्राफी से लेके तो कलर ग्रेडिंग तक एवरी डैम थिंग. बिकॉज आई रिमेंबर मैं मेरी हार्ड ड्राइव के साथ में एडिटिंग स्टूडियो के बाहर 7 घंटे बैठा हुआ था जस्ट सो एडिटर मुझे टाइम दे. और वो एडिटर अंदर बैठ के सिर्फ बात करता था. एंड दैट शॉक मी फ्रॉम इनसाइड. मुझे ये करना है और मेरे सामने जो भी बंदा आएगा ना जो उस स्टेज पे है आई हेल्प हिम आउट. एंड दैट मोटिवेशन इट वाज नॉट पॉसिबल इन मुंबई सो आई हैड टू गो बैक टू माय होम टाउन एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो. सो प्रणीत व्हाट हैपेंड इट मेड यू एक्चुअली गो बेटर इन लाइफ. लाइक जो भी हुआ वो अच्छे ही लॉस. यस ऐसे मुंबई में ये है बात. या आई नो ये सिटी ऑफ स्ट्रगल्स भी कह सकते हैं आप. या ड्रीम्स भी है तो बट वो चीज आपको कहीं ना कहीं सिखाती है. एंड आई थिंक वो अगर नहीं होता मैं अगर मुंबई नहीं आता तो आज मैं जहाँ पे हूँ एज एन आर्टिस्ट और एज अ पर्सन मैं वो कभी नहीं बन पाता. आई वुड हैव बीन वेरी स्मॉल. मेरी जो सोच है वो बहुत ही एक छोटी सी रह जाती थी. बट एक एक्सपीरियंस और एक ग्रो करने का जो पैशन उस टाइम पे जो एक आग लगी वो आग है वो ही है जो जो किरदार का फाउंडेशन बनी. एक आग ही आर्टिस्ट को बड़ा करती है. एग्जैक्टली. तो कैसे मिले आपने? जब मैं अमरावती वापस गया तो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है आदित्य. हम एक ही स्कूल में पढ़े तो वो और सरमद हमारा ड्रमर वो एक्चुअली म्यूजिक क्लासेस लेते थे साथ में. एंड ही इंट्रोड्यूस मी कि ये सरमद है अच्छा ड्रम्स बजाता है. एंड एक दिन उन्होंने पार्टी वार्टी किया पता चल के उसके बाद मैं देन आई कम्युनिकेटेड विद हिम. उस टाइम सरमद एंड अक्षय वो ऑलरेडी डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन अमरावती लोकल सीन टुगेदर. या टुगेदर बीन अ लॉन्ग टाइम टुगेदर. And Pranit was doing his engineering from Amravati. And yeah, I mean, so I was doing engineering. I came from Nagpur to Amravati वहाँ से engineering करने के लिए Amravati में. So हम लोग के college में tech fest काफी होते थे. So I used to compose that song in the tech fest. खुद के college के songs होते थे. So Sarmad was always my go-to drummer for those songs. So yeah, so final year में था. So एक song मुझे record करना था, which later हम लोग के album में ही आ गया गाना. परिंदे is the name of the song. तो देन सरमद ने प्रणीत दादा से मुझे मिलवाया. सो वी टॉक अ लॉट कि मतलब परिंदे ऐसा सॉन्ग है. सो लाइक आई रिमेंबर दैट कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इंटीमेट था लाइक फ्रॉम अ म्यूजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो वी डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि यू नो हमें भी उतनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन एंड बैंड के बारे में उतना ही ज़्यादा डीप में सोचते हैं. सो फिर हम लोग और जैम करने लगे चारों मिलके एंड हम लोग और हैंग आउट करने लगे. तो समझ में आया कि यू नो अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक हम लोग एज अ ह्यूमन एज अ पर्सन भी काफी कनेक्ट करते हैं. सो दैट्स हाउ किरदार फॉर्म. अच्छा एक क्या सबसे यूनिक चीज क्या है आपके बैंड की? आई थिंक अगर हम बात करते हैं यूनिक हमारे बैंड के बारे में तो शायद जिस तरीके का हमारा अपब्रिंगिंग रहा है जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस सारी चीज़ों की वजह से जो हमारा एक पर्सपेक्टिव बना है वो हमें शायद सभी लोगों से यूनिक बनाता है. आई थिंक दैट पर्सपेक्टिव मेड अस हु वी आर. तो अगर आप एक फोर पीस बैंड है तो आपके चार ओपिनियंस भी होते होंगे. जैसे हमारे तो दो में हम निपटा लेते हैं. यहाँ आप चार हैं तो कैसे मैनेज करते हो ओपिनियंस? टेस्ट, स्टाइल, मतलब अलग म्यूजिक सेंस कुछ भी होगा. बहुत बहुत कुछ. वन वर्ड डिक्टेटरशिप. कोई भी सॉन्ग होता है सो लाइक ही कम्स अप विद सम आइडिया. लाइक मैं कुछ रिफ या पिकिंग के साथ आता हूँ. सो वी प्रेजेंट कि लाइक दिस इज अ सॉन्ग वी आर वर्किंग ऑन. हम लोग इस पे काम कर रहे हैं एंड देन दिस गाय कम्स इन एंड ही सेज कि नहीं ये अच्छा नहीं है इसको ऐसा कर. हाँ सब बकवास है. सब लोग यहाँ पाने का जोड़ता हूँ. सो मतलब ये तो इन जनरल होता है बट द गुड थिंग इज कि अब कुछ अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो ये एकदम डिस्कार्ड भी नहीं कर देते कि अच्छा नहीं है. सो वो अपना इनपुट देते हैं उसको और बेटर बनाते हैं. सो लाइक दैट इज हाउ हम लोग सब यू नो फॉर्मेशन क्रिएटिव डिफरेंसेस को हम सॉल्व करते हैं. तो जैसे हम लोग भी दोनों लोग गाने बनाते हैं कई बार ऐसा लगता है दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया है
कि करते रहो समझ नहीं आ रहा कि सही है कि गलत है तो उसको सॉल्व करने के लिए कहीं जाते हैं या कहीं इंस्पिरेशन लेने के लिए? वी हैव अ फार्म लाइक 25 किलोमीटर अवे एंड हमारे फार्म के वहीं पे एक्चुअली शोर पे ही लेक है तो बहुत ही हाँ वो भी कर सकते हैं आई यूजुअली जंप इन द वेल सो बट वहाँ पे जब भी जाते हैं वी कुक देयर एंड दैट एक्सपीरियंस इज वेरी बहुत मजा आता है मतलब सारी चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाता है स्पेशली जब खाना बनाते थे। अच्छा आपके सॉन्ग्स बेसिकली ना काफी लिरिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच होते हैं तो ये प्रोसेस किसका है? हम लोग जब हमारे गाने को लेकर जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा मेन पॉइंट होता है कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस है हम उन्हें पेन डाउन करें हम कभी ऐसा स्पेसिफिकली सोचते नहीं कि हमारा गाना सुन के कोई इन्फ्लुएंस हो जाए एंड ऑल बट इट्स मोर अबाउट जो हमने जिस तरीके से देखी है चीजें जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है हम उन्हीं को पेन डाउन करते हैं और वो इवेंचुअली पता नहीं क्यों बट लॉट ऑफ फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू एड्रेस वन ऑफ माई फ्रेंड ही पास्ड अवे रिसेंटली एंड देर वॉज वन सॉन्ग इन आवर एल्बम हौसला वो मुझे हमेशा बोलता था कि वो गाना जब मुझे जब भी पेन होता था ड्यू टू ही इज बोथ किडनीज वर फेल्ड सो उसे जब भी पेन होता था ही यूज्ड टू लिसन टू दैट सॉन्ग एंड ही सेड कि आई गॉट स्ट्रेंथ ऐसे ऐसे चलना पड़ता है लाइफ आई नो इट्स द ट्रूथ तो हम आपके साथ एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड ठीक है ओके मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोग से कि लेट नाइट प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा क्या खाना ऑर्डर होता है मूवी डेट पे गर्लफ्रेंड या सॉन्ग प्रैक्टिस विद बैंड सॉन्ग प्रैक्टिस सॉन्ग प्रैक्टिस मूवी डेट फीमेल फैन की अटेंशन सबसे ज्यादा किसे मिलती है चारों में अरे यस क्या कहना चाहोगे अपनी फीमेल फैंस ठीक है बात बहुत करते हैं और अभी चुप है ऐसा है वो सुपर रस्ता में क्या कहना चाहोगे अपनी फीमेल फैंस को चलिए वो मेरी बेस गिटार जो है फोटो खिंचाने के लिए आती और गिटार के साथ खिंचवा के फिर क्या होता है Thank you, Olga. Interesting. Yeah. Okay. The first thing you guys do before going on the stage? I call my mother. At the course, yes. Thank you. Sahi bola. One thing Kirdar band never compromises on. Food. खाना हाँ फिर बाद में खाना और भी हैं कोई लोग अच्छा most recent celebrity crush हम लोग पार्शियलिटी में करते हैं या या वी लाइक एवरीवन रीसेंट वाला बताओ रीसेंट वालों में तो आप ही हैं रीसेंट क्या बात है बैंड का सबसे लेट लतीफ मेंबर कौन है सरमत उठ नहीं पाते हां नहीं उठ जाते सब कर लेते पर लेडी आने रहता है थैंक यू सो मच गाइस जो जो आई थिंक आप लोगों ने रैपिड फायर में आग लगाई है यू गाइस वर ऑन अ रोल सीरियसली गाइस आपकी ऑनेस्टी ने हमारा दिल जीत लिया है एंड स्पीकिंग ऑफ दैट अब लेट्स फुलफिल आवर प्रॉमिस एंड बुला लेते हैं उस डुओ को सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग प्रकृति कक्कर एंड सुकृति कक्कर हाय गाइस How are you? Hi, are you? So nice to meet you all. And you know, girl band almost meeting boy band. Yeah. And another band. So ye kitna interesting hai, duo and a band. And a band, yes. Wow. So welcome on Indie Hai Hum season 3. Thank you so for much. Having us. And I think you are one of the first pop star jodi apne India ke. So I think you guys are killing it. Hamare saath hain Kirdar band. Yes. तो आपको कुछ कुछ कहना है वेल आई थिंक सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस यू ऑल आर अमेजिंग एंड आई थिंक ये जो बैंड का कल्चर है धीरे धीरे करके पर जो वापस आया इट्स जस्ट ब्यूटीफुल एंड योर सॉन्ग्स आर सो ब्रिलियंट And I just hope you guys keep making more and more music क्योंकि आप लोगों की वजह से इंडिपेंडेंट म्यूजिक फिर से वापस आ रहा है we've grown up with so many bands and it's just so reassuring to see so many boy bands or just you know bands in general exist and just keep doing what you're doing and so excited for all your music well said kya baat it means a lot to us thank you to aap log chal rahe idhar hain ye yahan pe aapko kuch puchna hai I surely wanted to ask one thing as a band bahut sare creative differences hote hain so aap bhi duo ho you work together you compose a lot and you do stuff so how do you
get over it, like come to something. Creative differences bahut sare hote hain, but at the end of the day, it's creativity. Yeah. You know, it's going to come different from two different people. And yeah, I think it's also very important to understand where each of y'all shine. तो मेरे को पता है कि मेरी वीकनेस क्या है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है एंड उसकी अलग वीकनेस और स्ट्रेंथ है सो आई थिंक वी जस्ट फोकस ऑन दैट एंड फिर क्लैशेस नहीं होते आई गेस सो आई वुड रियली लाइक इफ वी कुड जैम समथिंग आउट राइट या ऑफ कोर्स कुछ हो गए डेफिनेटली आई थिंक फोक नेवर गोज आउट ऑफ फैशन एंड वी ऑल आर गोइंग टू डू दिस टुगेदर ओके 2 1 काला डोरिया कुंडे नलड़े आयो छोटा देवरा बाबी नलड़े आयो छोटे देवरा तेरी दूर पलाए वे ना कर सोनिया तेरी एक पर जाए वे ओ काला डोरिया नाइस ये हुआ ना यादगार जैम सेशन गाइस बट थैंक यू सो मच किरदार बैंड आप आए आपने चार चांद लगा दिए थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर इनवाइटिंग थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बाय बाय तो सुप्रीति और प्रकृति इट्स टाइम टू बिगिन द शो विद अ रिचुअल ठीक है आपको क्या करना है कि मेरे कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं जो आपको ट्राई करने हैं सो इट इज चाहत है किसी चाहत को पाने की चाहत है किसी चाहत को पाने की चाहत है चाहत को आजमाने की वाह चाहत है किसी चाहत को पाने की चाहत है चाहत को आजमाने की हो गया 1 2 3 गो चाहत है किसी चाहत को पाने की चाहत है चाहत को आजमाने की सुपर चाहत है चाहत को वेरी नाइस वेरी नाइस टू गुड 100 मार्क्स वाओ चाहत है किसी ओके अच्छा वन लास्ट हां एक बार फिर से ओके फर्स्ट टाइम हेल्प मी देन आई डू माय ओन थिंग मैं करूं यार पहली बार मेरा बहुत अच्छा आ रहा है किसी मेरा बहुत अच्छा आ रहा है चाहत है चाहत को आजमाने बट थोड़ा स्पीड चाहत है आजमा देखो मेरे को याद है कुछ देख ही नहीं रहा कोई ठीक है एक काम कर पांच बार आप बोल ओके बन जाएगा यहां पे ओके चाहत है किसी चाहत को पाने की चाहत है चाहत को आजमाने की चाहत है किसी चाहत को पाने की चाहत है चाहत को आजमाने की चाहत है किसी चाहत को पाने की चाहत है चाहत को आजमाने की चाहत है किसी चाहत को पाने की चाहत है चाहत को आजमाने की पहली बार हिंदी है हम के स्टेज पे जरा तालियां हो जाएं दोनों के लिए व्हाट एन एंट्री व्हाट एन एंट्री थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू वैसे भी हम कोई क्वेश्चन पूछो मुझे क्योंकि जानना है करोड़ों बार आपसे पूछा जा चुका होगा बट आप दोनों में डिफरेंसेस क्या आप बताओ हेयर स्टाइल प्रकृति का फेस थोड़ा लॉन्गर है मेरा शॉर्टर है मैं एक्चुअली शॉर्टर हूँ प्रकृति इज टॉलर एंड मेरे एक्चुअली रेड बाल होते थे 4 साल के लिए अब सेम है बट वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता था अच्छा जब आप लोग परफॉर्म करते हो तो क्या मतलब यू परफॉर्म एज अ प्रोफेशनल या भाई बहन है मेरी मैं उसका ख्याल भी रखना है एंड इफ यू आर एल्डर तो मतलब ऐसा कुछ होता है क्या सोचना आई थिंक यू गाइस विल कनेक्ट विद दिस द मोस्ट क्योंकि वही तो इसीलिए तो जानना है उसको जब डुओज मिल जाते हैं आई थिंक एनर्जी इज डिफरेंट एंड आई थिंक यू ऑल विल कनेक्ट विद दिस सो मच कि जब मतलब ऑब्वियसली अगर इसको जुकाम होता है तो फिर शो मैं करती हूँ या मतलब यार देखो तुमने गलती कर दी ऐसा सब नहीं वी आर वेरी प्रोफेशनल जिसकी गलती है वी हैव टू सिट डाउन एंड लाइक एनालाइज पूरा शो कैसे गया था व्हिच लाइन आई फॉरगॉट इफ आई हैव अ प्रॉब्लम आई समटाइम्स फॉरगेट लिरिक्स ओके तो बट आई रिमेंबर लिरिक्स यहां सब मेरी क्लास लेती है प्रकृति प्रॉपर्ली बैठ के बोलेगी यू आर नॉट सिंगिंग दैट सॉन्ग बिकॉज़ यू स्पॉइल्ड इट प्रोफेशनल है ओके अच्छा एक और चीज कोई ऐसा कभी हुआ आप लोगों की एक ही सॉन्ग के लिए किसी ने आपको भी बुला लिया और आपको भी बुला लिया मल्टीपल टाइम्स ये तो बहुत बार हुआ है एक बार किसी ने मुझे सुकृति सोच के भी बुलाया था मैं गा के वापस आई मुझे मैसेज भी आया लवली रिकॉर्डिंग विद यू सुकृति ये भी हुआ है मेरे साथ तो क्या नहीं हुआ है तो उसमें क्या लगता है लगता कैसा बिट्रेयल वाली फीलिंग आती है ऐसा लगता है कि यार मुझे हद है यार मतलब ये नहीं होना चाहिए था सब कुछ ठीक है बट मैं भी मेहनत करती हूँ हाँ मैंने अच्छे से गाना गाया है पूरा अपना 100% दिया है तो प्रकृति बुला लो ना क्या जाएगा तुम्हारा अच्छा I'll ask Prakriti last कि how did that Dua Lipa collaboration happen? Dua Lipa actually is our idol. You know, हम इतना आइडलाइज करते हैं दुआ लिपा को आई थिंक वी आर दोज पीपल जब भी कोई गाना आता है वी आर द फर्स्ट वंस टू सी इट वी आर द फर्स्ट वंस टू लाइक हर पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम सो दिस वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू सो वी वर वर्किंग विद अमल ऑन अ वेरी वेरी एक्साइटिंग अनदर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो आप होपफुली
शायद जल्दी सुनोगे. एंड देन दिस हैपेंड क्योंकि उस गाने पे काम हो रहा था. एंड देन यू नो ही गॉट अ कॉल फॉर दिस कोलैबोरेशन एंड ही हैड टू बेसिकली जस्ट पहले प्रोड्यूस. इट वाज सपोज्ड टू बी अ रीमिक्स. उसके बाद हमने सोचा क्या रीमिक्स का तो सब लोग करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, यू नो लिरिक्स लिखते हैं. एंड वी गॉट कुणाल ऑन बोर्ड एंड ही रोट द लिरिक्स. थोड़ा बहुत हमने चेंज करने की कोशिश की. देयर इज अ न्यू ड्रॉप ऑफ लेविटेटिंग दैट वी ट्राइड टू डू. थोड़ा सा पंजाबी वाइब देने की कोशिश की. एंड वो गाना कन्फर्म हो रहा था बट उन्होंने हमें बोला कि यार एक बहुत टाइम लगेगा. वी डोंट नो इफ इट्स हैपनिंग फॉर श्योर एंड बिकॉज इट्स डुआ लिपा देर आर सो मेनी थिंग्स यू नो दैट वॉज इन्वॉल्व राइट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट टू द टीम एंड एवरी थिंग. उसके बाद वी थॉट कि गाना नहीं हो रहा क्योंकि गाना एक्चुअली नहीं हो रहा था क्योंकि हमें हमने काम कर लिया था, रिकॉर्ड हो गया था, भेज दिया था, बहुत सारी परमिशन हो गई थी. फिर हमें कॉल आया कि सॉरी गाइज इट्स नॉट हैपनिंग. एंड आई वाज लाइक मेरे को पता ही था ऐसे थोड़ी ना हो जाता है. कभी कभी तो हो जाएगा. एंड देन वी फॉरगॉट अबाउट इट. या एंड देन सडनली इट रिलीज. सो it was it's still unreal kyunki jis din gana aaya tha she tagged us in a story and everything and then like, we got me, to know about it. Yeah then we came to know about it. Mujhe ek aur add karna hai isme ek aapke sare songs aisa kyun hota hai what are you going to say ki ladkon se sambandhit hi kyun hote hain ji sambandhit aisa kyun I will write about this table also, yaar. Now, मतलब I feel like I don't know, but I feel जो हमारी age है और जितने मेरे friends हैं और जितने उनके friends हैं, I feel like हम सब music सुनते हैं, सब movies का भी music सुनते हैं. But I feel like जैसा culture है, you know, in the western where you just talk about whatever you're thinking, you should make a song about it. And हम जो age से गुजर रहे हैं, I think in your 20s you're always confused about so many things, especially boys. First time someone's asked me this, but I know everybody says, but क्यों करते हैं ये पहली बार. But actually बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम सिर्फ लड़कों को डांट रहे होते हैं गाने में. But that's changing. Now the next song. कब होगा लेकिन? मुझे लग रहा है वो क्यों change हो रहा है. मुझे पता है because the ultimate question. Be very honest. The nation wants to know. Okay. Prakriti, who are you dating? I wish I was dating. Yeah, I'm the most single I've ever been, yaar. So अभी वाले जो गाने उसमें आप जब सुनेंगे तो थोड़ा बहुत आप you know आपको ये interview शायद याद आएगा. So it's all about finding self love and not finding a boy, letting the boy find me, letting the boy find you. एक artist ऐसा जो social media पे आपको लगता है बहुत strong कर रहे हैं? I feel Darshan. Darshan, I mean, I love his content and बहुत regular भी है तो think that's a great. True. What about you? I think Arman, because हम you know Arman को बचपन से जानते हैं तो उसकी हमने पूरी journey भी देखी and I feel like his entire career has had so many phases. अभी he's doing English music तो I mean there's something always to look forward to. I feel Arman. Nice. अच्छा आप दोनों लोग यहाँ पर हैं और हम लोग ऐसा मौका छोड़ नहीं सकते. प्लीज हमें कुछ गाके सुनाइए. हमें सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं. गाइस ऑलराइट, दिस इज आवर फर्स्ट एवर सॉन्ग कॉल्ड सुधर जा स्पेशली फॉर द गाइस. मेरे लिए तो पहले दुखा था, दिखा तुझे और कुछ तो हुआ था, अब लगे जैसे सपना बुरा था. आए तुमसे करके भी देखा, तुम पे है मर के भी देखा, 100 बार मिल के भी देखा, बातें होनी थी हो चुकी, रातें है आज से रह जाते, जाते सुन ले मेरी तू फिक्र मेरी छोड़ दे. हो सुधर जा, सुधर जा, जखर जा, ओ सुधर जा, जखर जा, हे हो सुधर जा, सुधर जा, जखर जा, ओ सुधर जा, जखर जा. और आपको कुछ मुहावरे देंगे बोलने के. ठीक है तो हेडफोन लाए थे. जिसकी लाठी उसकी भैंस. अबे यार ऐसे कैसे यार, ये तो नहीं आने वाला है, ट्राई करते हैं. ठीक है, जिसकी लाठी किसकी. आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग. ओके, ये इसका असली लेवल है.
एक सेकंड फोकस जिसकी आई थिंक आई नो दैट वन सर व्हाट लाठी समथिंग लुक एट मी ना यार इनसे तो अच्छा हम कर रहे हैं जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस भैंस ओके फास्ट 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 उसकी भैंस आ रहा है गॉट इट जिसकी एम आई जिसकी लाठी उसकी भैंस वेरी नाइस ऊंट के मुंह में जीरा ओके ऊंट ओह आई एम एग्जैजरेटिंग ओके ऊंट समथिंग या ऊंट ऊंट होता है ना व्हाट इज दिस आई मेक इट यू ओके गो फॉर इट यू आर वेरी लाइक जीरा तो ना टाइमर है अरे लुक एट मी ओके ओके ऊंट के मुंह में जीरा खाने वाला कभी नहीं समझ आने वाला यार के समथिंग ओके ऊंट जीरा जिया जीरा जीरा तो कभी मैंने सुना ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल उनके मुंह में जीरा उनके नहीं है मुंह में जीरा पूरा एक साथ बोल पूरा फुल फुल व्हाट इज अ फुल थिंग ऊन के मुंह में जीरा सही था ऊन के मुंह में जीरा मैंने पहले भी नहीं बोला No, you said ooke muh mein. Ooke muh mein. Ooke muh mein? Ooke. She said camel, then I understood. Prakriti now. Huh? Oh my God. Theek hai? Okay. Dal. Okay. Dal mein kala. Wow, that's like a text scene. Dal mein kala. Huh? Dal mein kala. Dal? Dal? Focus. Dal? Dal? Me? Dal mein? Huh? Kuch kala hai. मेरी रानी नाच मेरी रानी नाच ना जाने ना जा नाच नाच ना जाने आंगन टेढ़ा नाच नाच ना जाने ना जा ना जाने ना जाने या आंगन ना जाने अगर आंगन 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 बताओ आंगन बताओ कैसा होगा बैकयार्ड बैकयार्ड फर्स्ट वर्ड अच्छा फर्स्ट वर्ड या नाच ना जाने आंगन आंगन बैकयार्ड क्या अब क्या बताओ नाच ना जाने बैकयार्ड आंगन 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 नाच ना जाने नो 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 लेटर कंप्लीट ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा नो नो ढीला नहीं अरे सुपर स्टफ यार मजा आ गया मतलब मैंने आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देखा बट ये परफॉर्मेंस वाज नेक्स्ट लेवल हम ऊंट को कभी नहीं भूलेंगे लाइफ लॉन्ग याद रहेगा ये शब्द मजा आ गया थैंक यू सो मच बिल्कुल यार बट आई थिंक हम लोग ऐसे ही नहीं आपको जाने देंगे इतनी खूबसूरत जोड़ी को ऐसे नहीं अलविदा कर सकते सो वी हैव अ स्पेशल गिव अवे जो आपके ही फैंस को और आपके लिसनर्स तक वो पहुंचेगा ठीक है क्या करना है बस अपना ऑटोग्राफ देना है उसको साइन करना है एंड देन इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी थैंक यू दिस इज सो स्वीट प्लीज गिव अवे मंगाया जाए ओह वंस अगेन थैंक यू सो मच अनमोल देयर यू गो वाओ दिस इज अमेजिंग इट्स मैचिंग आल्सो मैचिंग Where do I sign on this? Yeah. It's actually the same color. Huh? Yeah. Thanks to Red. Woohoo! Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you to Red FM and T Series and just. You know, thank you for supporting independent music. Itna sara. Yeah. I keep saying this. I think Red FM pe jitna independent music sunne ko milta, I think kahin aur sunne ko nahi milta hai. So thank you and keep doing more of this. I think we need more of this. Yeah. I think hum aapse kehna chahte hain. You keep doing what you are doing, and thank you so much for being here. Bas please ek request. Yeah. Ek request. Ladko par thoda sa
तरस खाइएगा. Oh come on, I think this year is dedicated to not, I mean, trying new things, but love, yeah, guys, just like love, you know, love this guys, year, yeah. Love guys, yeah, we love guys, ऐसा कुछ नहीं है. Love songs भी सुनेंगे आप, more love songs this year. We are waiting for it. Thank you for being here on. Thank you so much. Season 3. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you so much for having us. And I think हमने पहली बार लगा catch up किया है. Thank you. See you soon. Thank you. See you. Bye. इतने talented artists and सबका इतना unique flavor and what we get is a perfect musical cocktail. Right here on Indie Hai Hum Season 3 presented by T-Series and Red FM. यार हम दोनों ना बहुत खुश हो जाते हैं जब आप हमें टैग करके बताते हैं अबाउट योर व्यूज ऑन द शो और साथ में वी लव योर सॉन्ग रिक्वेस्ट जो आप भेजते हैं. सो टुडे व्हाट वी आर परफॉर्मिंग इज स्पेशली फॉर एंजेला. थैंक यू सो मच एंजेला एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर लवली वर्ड्स Lovely wishes. अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट हो तो यूज हैशटैग #AskSachet Parampara एंड ड्रॉप योर रिक्वेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मुझे परंपरा को टी सीरीज एंड रेड एफएम इंडिया को सोशल मीडिया पे. सो यू नो कि वापस यही आना है नेक्स्ट वीक बट लेट्स एंड दिस एपिसोड ऑन अ म्यूजिकल नोट. या सो हियर इट गोस. मदानिया चले जा रे महकी रात में चुरा के साथ.